एक ऐसा देश जहाँ कोल्ड ड्रिंक की कीमत है लाखों रुपए, और अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप भी दही के साथ पराठा खाते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास है अपना खुद का एक जंगल। आज के वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है कि बारकोड स्कैनर मशीन बारकोड के सफेद भाग को स्कैन करती है, ना कि कोड की इन काली लाइनों को। और 95% लोगों को ऐसा ही लगता है कि यह मशीन इस कोड के काली लाइनों को स्कैन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप भी चीन में जाकर कार चलाते हो तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि चीन में आप कार ड्राइव करते समय रात के समय आई बीम या ऊंची लाइट फालतू में नहीं जला सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको उसी लाइट के सामने बैठा कर 2 मिनट तक उसी लाइट को आपकी आंखों में डाला जाएगा। इसके कारण आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। और अगर दोस्तों सोचो यह कानून भारत में लग गया तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपको सोना पसंद है या आपको सबसे ज्यादा नींद आती है तो आपको कजाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि कजाकिस्तान के कलाची गांव के लोग अक्सर सोते ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में यूरिन की काफी जहरीली गैस निकलती है, जिसके कारण यहां के लोग हर वक्त नशे में रहते हैं, जिससे वह कभी भी और कहीं भी सो जाते हैं, और इस बीमारी को स्लीपी होलो के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आपके बाल भी सफेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बालायोग करने से बच्चापन दूर होता है और बालों में विकास होता है, और अगर बालायोग को 5-10 मिनट तक लगातार किया जाए तो हमारे सफेद बाल आने की बीमारी भी दूर हो जाती है। अगर आपके भी सफेद बाल है तो आप ये बालायोग करके ट्राई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग दही के साथ पराठा खाना पसंद करते हैं, परंतु दही के साथ पराठा खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह पाचन की क्रिया में रुकावट लाता है, जिससे हमारे शरीर को भारी नुकसान हो सकता है और इसकी 1% एनर्जी भी शरीर को नहीं मिल पाती है। फैक्ट नंबर 2, आप जो इस व्यक्ति को देख रहे हो, इस व्यक्ति का नाम है जादव पायेंग, और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान काम किया है। यादव ने 16 साल की उम्र में ही पेड़ लगाना शुरू कर दिया था, और आज इनके पास अपना खुद का एक जंगल है, और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि वेनेजुएला दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर महंगाई सबसे ज्यादा है। वेनेजुएला में इतनी ज्यादा महंगाई है कि यहाँ एक कप कॉफी की कीमत 25 लाख रुपए है, और यहाँ 10 लाख रुपए किलो की सब्जी मिलती है, और अगर आपको यहाँ खाने पीने का सामान खरीदना है तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।